आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सिकंदरा बाईपुर में जमीन पर कब्जे को लेकर एक महिला समाधि लेने के लिए मजबूर हो गई है। समाधि लेने पर आनन फानन में पुलिस के साथ पहुंचे अधिकारियों ने जमीन की पैमाइश कराई, इसके बाद ही महिला बाहर निकलने को तैयार हुई। भाईपुर सिकंदरा में खेत पर कब्जा करने पर महिला को समाधि के लिए मजबूर होना पड़ गया। महिला का आरोप है कि नामजद भूमाफिया ने उसके खेत पर कब्जा कर लिया है। न्याय के लिए 4 साल से इधर उधर चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। परेशान होकर प्रेमलता ने खेत पर समाधि ले ली। महिला के समाधि लेने पर आसपास के ग्रामीण भी पहुँच गए। यूँ लगी मैं 4 साल चक्कर लगा रही सब अधिकारी की तहसील में जा रही। क्या मामला, किसके लिए? मेरे खेत पे कर्नल जमीन है, दबा ली तो बार बार मुझे काम ना करन दे। क्या नाम है उन लोगों का? अश्वनी कुमार यादव। अकेले भाई? नहीं, शांत कुमार है, सुरेंद्र है, वो खड़े हैं सवरी, वो है वो प्रवीण हुए, गजेंद्र हुए, ये सब परिवार इकट्ठो है कि भाई जमीन दबाते हुए मेरा काम ना करन दिए था। जब जब मैं अधिकारी दिन जातूँ मेरी कोई सुनवाई ना करते तो मुझे समाधि लेनी पड़ी। भाईपुर के रहने वाले प्रमोद कुमार की पत्नी प्रेमलता का कहना है कि भूमाफिया ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। लेखपाल और अन्य अधिकारियों ने जमीन की पैमाइश की और माफिया के पक्ष में कार्रवाई करके चले गए थे। पुलिस ने भी उससे अभद्रता की। इसको लेकर प्रेमलता 4 साल से परेशान चल रही थी। 4 साल से परेशान प्रेमलता के समाधि लेने पर तत्काल समाधान हो गया। अगर संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहले ही उसकी पीड़ा सुन लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती। इससे पहले मेरी लड़की के साथ घटना है गई तो मुकदमा लिख गो, लेकिन वो मुकदमा अभी खुले घूम रहे हैं, कोई नहीं पकड़ते ना पुलिस पकड़ते ना ही नहीं। अब क्या हुआ? अब ना गरीब जेसीबी से कर ले आके पूरी तहसील बंद करवाई गई। अब अधिकारी आ गए? अब अधिकारी आए गए, मैंने समाधि ली है तब आए तो मैं अब संतुष्ट हूँ भी ना फिर संतुष्ट है। हाँ ना फिर भी आपका जो खेत था वो सही निकल आया? हाँ सही, पैमास बिल्कुल बैठी है, सही हो गई। मैंने कह मेरा बिल्कुल ना बैठा, कोई शिकायत नहीं है? नहीं। परेशान होकर प्रेमलता ने समाधि ले ली। प्रेमलता ने साफ कहा कि न्याय न मिलने तक नहीं हटेगी। महिला के समाधि लेने की खबर पर अधिकारी पहुंच गए। अफसरों के आदेश पर पुलिस प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। कार्रवाई का आश्वासन देकर महिला पुलिस कर्मियों ने प्रेमलता को समाधि से बाहर निकाला। इसके बाद लेखपाल के साथ अन्य अधिकारियों ने जमीन की पैमाइश कराई। कार्रवाई से प्रेमलता संतुष्ट है। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोग भी मौजूद रहे, लेकिन अधिकारियों के सामने वो कुछ नहीं बोल सके। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।